आम आदमी पार्टी शाहजहांपुर जिला कमेटी की एक आपात बैठक मशीनरी मार्केट स्थित कार्यालय पर हुई, जिसमें SC/ST प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र खटिक द्वारा पार्टी को दिए गए इस्तीफे के और युवा प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष अश्विनी सिंह बघेला द्वारा दिए गए इस्तीफे पर चर्चा हुई। इस चर्चा में उपस्थित सभी लोगों ने एक मत से इस बात पर सहमति जताई कि पिछले दो दिनों से इन दोनों द्वारा पार्टी विरोधी अनुशासनहीनता की जा रही थी, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस प्रकार को लेकर जोन और प्रदेश के पदाधिकारियों से भी बात की गई, पूरे मामले में उन्हें अवगत कराया गया। इसके बाद उपस्थित सभी लोगों ने इन दोनों का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार करने पर सहमति जताई और इस्तीफे को प्रांत और राज्य कमेटियों को भेजकर यह मांग की कि उमेश चंद्र चक खटीक और श्री अश्विनी सिंह बघेला दोनों पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से रद्द करते हुए कम से कम 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया जाए। पार्टी कार्यालय पर एक आपात बैठक बुलाई हम लोगों ने। कल हमारी पार्टी के पदाधिकारी जो SC/ST प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं, उनको हम लोगों ने पार्टी के ग्रुप से हटाया था, उनसे कुछ स्पष्टीकरण मांगे थे, लेकिन उन्होंने उसका जवाब न देकर सीधे सीधे अपने इस्तीफे की पेशकश करी और सोशल मीडिया में अपना इस्तीफा भेज दिया। उसके बाद से हमारे यूथ के जो महानगर के अध्यक्ष हैं अश्विनी सिंह बघेला जी, उन्होंने सोशल मीडिया पर तमाम अनर्गल आरोप लगाते हुए लोगों के साथ द्वेषपूर्ण संबंधों का निर्वहन करते हुए अनुशासनहीनता की है। उन्होंने सीधा सीधा ये आरोप लगाया कि जिला अध्यक्ष और उनकी टीम दलित विरोधी है और इसी मानसिकता के चलते अगर हम लोग दलित विरोधी होते तो इस अपनी पार्टी में कभी लोगों को जोड़ते ही नहीं। हमने लगातार पिछले 10 वर्षों से मैं इस पार्टी का शाहजहांपुर का फाउंडर हूँ और हमने हर वर्ग के लोगों को अपने साथ लेकर चलने का प्रयास किया। कभी भी किसी भी कोई भी व्यक्ति ये आरोप अगर लगाता है कि हमने उसे जात या धर्म के आधार पर उसके साथ भेदभाव किया तो ये गलत है। आम आदमी पार्टी का प्रादुर्भाव ही सिर्फ इसी बात पर हुआ कि हम ये सब चली आ रही समाज की जो जाति धर्म और मजहब के आधार पर जो दीवारें खड़ी की गई हैं उनको तोड़ने का काम करेंगे। आज हम पर ये आरोप लगाया गया है और जब उमेश चंद खटिक के मुद्दे को लेकर अश्विनी सिंह बघेला ने तमाम सोशल मीडिया में ये सब किया तो हमने आज एक आपात बैठक बुलाकर जिला कार्यकारिणी की अपने उस पर ये एक एजेंडा है इस पर ये पारित कर दिया है और अपने जोन और प्रांत और राज्य तीनों को ये रिकमेंडेशन भेज दी है कि इन दोनों को पार्टी से की प्राथमिक सदस्यता इन दोनों की तुरंत रद्द करते हुए 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया जाए। हम लोगों ने इनके इस्तीफे को स्वीकार करते हुए जोन और प्रांत को भेज दिया है। प्रांतीय पदाधिकारियों को ये इस पूरी घटना से अवगत करा दिया गया है और इसमें आगे से मैं पार्टी के प्रत्येक पदाधिकारी कार्यकर्ता और समर्थक से ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि अगर किसी व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर या पब्लिक प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरीके की कोई भी इस तरीके की एक्टिविटी करी उसे अनुशासनहीनता के दायरे में माना जाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी के खिलाफ कोई अनर्गल टिप्पणी ना करे, अगर किसी को कोई शिकायत है आए हम लोगों के साथ बंद कमरे में बैठकर उस पर चर्चा करें। पार्टी अनुशासनहीनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। धन्यवाद। कीर्तिमान चौहान जी, किस समस्याओं को लेकर आज जो है आम आदमी पार्टी ज्ञापन देने आई है, क्या है ये रिक्शों की समस्या? अभी आपने देखा 2 दिन पहले शहर में पुलिस द्वारा एक अभियान चलाया गया, उसके तहत जो ई रिक्शा सड़क पर चल रहे थे उन्हें उठा उठाकर पुलिस लाइन में खड़ा करवा लिया गया। उनके जिनके कागजात पूरे नहीं थे उन्हें जब्त कर लिया गया। हमने इस संबंध में आज जिला प्रशासन को एक ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी के लिए कि यहाँ पर जो भी समस्याएं हैं ई रिक्शा की उसको दृष्टिगत रखते हुए ये किया जाए कि जो सड़क पर ऑलरेडी ई रिक्शा चल रहे हैं उनका सबसे पहले ड्राइवरों के जो लाइसेंस है, लाइसेंस में RTO ऑफिस में खूब पूरी तरीके से घूसखोरी है, रिश्वतखोरी है। 3,500 से लेकर 5,000 रुपये का लाइसेंस बनता है। निर्धारित फीस पर एक कैंप लगाकर उनका DL बनाया जाए सभी का, और बीमे के लिए और जो फिटनेस के लिए उन्हें समय दिया जाए, जितने ई रिक्शा जब्त किए गए हैं उनको रिलीज कर दिया जाए। और आगे के लिए ई रिक्शा का से लगातार शहर का पे ट्रैफिक का एक भार है, पुलिस का कहना है कि अगर ये रिक्शे कम हो जाएंगे तो एक हमारे पर हटेगा। आगे से जो भी ई रिक्शा बिके वो डीलरों के माध्यम से बिके उसकी पहले ड्राइवर का लाइसेंस देखा जाए, उसके बाद DL होना चाहिए। बिना बीमा कराया ई रिक्शे को जारी ना करवाएं, सारे फिटनेस कागजात वहीं से पूरे हों तब जाकर उसका RTO करे। और जो लोग चल रहे हैं आलरेगी उनके आगे रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। ई रिक्शा वालों के लिए एक वाहन पार्किंग बनाई जाए,
उनके स्टैंड बनाए जाएं। शहर में जो जो स्टैंड घोषित भी किए गए अभी तक, उन पर सब पर अवैध कब्जा है, प्रशासन उस कब्जे को हटवाए। जिला प्रशासन द्वारा तो कहा जा रहा है कि उन्होंने बिना रजिस्ट्रेशन वाले जो ये तो ये ई रिक्शे आए कैसे, ये तो प्रशासन की और शासन की पहले से नीतियां होनी चाहिए थी। अब जो लोग सड़क पर हैं ऑलरेडी चल रहे हैं, वो आज तक जब चल रहे थे तो उन्हें एक मौका दीजिए। हमने कहा है कि 31 मार्च तक का उन्हें पूरा मौका दिया जाए, वो अपने कागज फिटनेस वगैरह सब पूरे कराएँ। जो जब्त वाहन है उन्हें वापस कर दीजिए और वो लोग अपना ये ना कागज पूरे कराएंगे सारे लोग।